बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? आई थिंक ये शॉर्ट शर्ट ज्यादा स्मार्ट लगेगी ना मुझ पे, है ना? तुम कहीं बाहर जा रही हो? ओह, तुम्हें तो बताया ही नहीं मैंने, पप्पा और आली आ रहे हैं मुझे पिक करने। हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। एक्चुअली पप्पा चाहती हैं कि एंगेजमेंट की रिंग और ड्रेस दोनों मेरी मर्जी का। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, काफी। मैं जानती हूँ कि तुमने आली को अपने हुस्न और चालाकियों से पागल बनाया, इसीलिए तो ऐसे दीवानों की तरह आता है वो तुम्हारे पीछे, जैसे कोई बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने के पीछे। बट यू नो व्हाट, ये सब वक्ती है, बहुत जल्द मैं उसके दिल से तुम्हारा नामो निशान खुर्च के निकाल दूंगी। और पता है, हमारी शादी के बाद वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा। और शादी से पहले तुमने जितने ख्वाब देखने हैं ना, तुम देख लो, क्योंकि आखिर में जीत तो मेरी ही होगी। और मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम्हारे ये जो पागलपन है ना, ये कहीं तुम्हारी जान ही ना ले। ज्यादा बातें नहीं करो और ये मेरे कपड़े इस्त्री करो जाओ। मुझे दादी के लिए सूप बनाना है, ये जहमत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करती। ये ले अम्मा, आपकी चाय। दादो, बहुत खुशी की खबर है, बहुत खुशी की खबर है। पहले मिठाई खाएं उसके बाद बताता हूँ। ये सबसे पहले आप। असल में मुझे दो दिन पहले ही कंपनी की तरफ से जॉब कंफर्म हो गई थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, मैंने देखी नहीं ईमेल। और जैसे ही आज मुझे उनका फोन आया तो कहने लगे कि आज आके अपना अपॉइंटमेंट लेटर कलेक्ट कर ले। मैं तो हैरान रह गया, मुझे पता ही नहीं कि मुझे जॉब मिल चुकी है। ला तेरा शुक्र, मेरा बच्चा नौकरी के लिए जूतियां घिसाने से बचा। बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। अम्मा आपको तुम्हें भी मुबारक हो। खैर मुबारक। और इतनी अच्छी पोस्ट मिली है कि क्या बताऊं आप लोगों। और सैलरी पैकेज भी बड़ा कमाल का है, ऐसी कंपनी में जॉब में ख्वाब दिखा करता था कि मुझे मिले। अरे 6 महीने में गाड़ी भी दे रहे हैं मुझे। सच? ओहो ऐसा, मेरे बच्चे बहुत मुबारक हो। अब तो मानोगे ना, यास्मीन कितनी लकी साबित हुई है, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे और इतनी शानदार नौकरी मिल गई। भाई नजमा, सही हकदार तो यास्मीन है, फौरन उसके घर मिठाई भेजो। बिल्कुल ठीक कह रही है, जाओ बेटा जल्दी से उसको मिठाई भिजवाओ। इतनी खुशी हो रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सबर का फल मीठा होता है। बेशक। नीलम, सारा को पिक करने आयो ना, एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए। जोड़ा और रिंग पसंद करवानी है ना उसे। नीलम ये क्या कह रही हो तुम? मुझसे झूठ मत बोलना आली, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो तो पहले से ही तुम्हारी है, और अब मैं चाहता हूँ कि नाम की दूरी भी खत्म हो जाए। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें रास्ते में समझाऊंगा, चलो मेरे साथ। आली पागल हो गए हो क्या? तुम उस दिन भी मुझे इस तरह साथ लेते थे। मैं जब भी आऊंगा तुम्हें इसी तरह लेकर जाऊंगा, अब एक सवाल नहीं करना मुझे। अच्छा हाथ तो छोड़ो मेरा। खामोशी से चलो मेरे साथ, मैं हाथ ही छोड़ने वाला हूं, समझे? आली आली बात तो सुनो। हेलो, नहीं नहीं मैं कुछ देर हूँ यहाँ। ओके खुदा हाफिज। तुम यहाँ? क्या हाल है, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। आओ नीलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्या जो तुम आ गए? सीरियसली यार, मैं काम कर करके बोर हो चुका था, एक कंपनी की अशद जरूरत थी। नीलम ही मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, और इस वक्त यही हमारे मसलों को समझ सकता है। क्यों भाई, सही कहा ना मैं? क्यों नहीं, श्योर। अरे तुम लोग बैठो तो सही, प्लीज। क्या पियो, कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक? नहीं यार, इस वक्त कुछ नहीं, ये लम्हा बहुत अहम है, इस वक्त एक बहुत अहम फैसला करना। पानी? जी लीजिए, फ्रेश है। थैंक यू। आली ये यार, ये नीलम है। सॉरी यार, मैं तारुफ कराने ही भूल गया, सब मेरा दिमाग ही बिल्कुल बंद हुआ है। मुस्तफा तुम हमारी मदद करोगे ना? मैं
मैं तो अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहा, तुम्हारे सामने मेरा मसला। यार वो और बात है, इस वक्त तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो, तुम साथ दोगे ना हमारा? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रहे हो? यार मुस्तफा, मैं तुमसे सारी सिचुएशन डिस्कस कर चुका हूँ, अब हम दोनों के पास यही एक रास्ता बचा। अली देखो, मैं और नीलम अभी निकाह करना चाहते हैं, इसी वक्त तुम साथ चलोगे ना हमारे? आली बेटा, अरे कहाँ हो? आली, अरे कहाँ हो बेटा? वो घर पर नहीं है, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? मूड क्यों खराब? तबीयत तो ठीक है ना जनाब की? गुड न्यूज क्या है? भाई आली आएगा तो बता दूंगा ना, वैसे वो गया कहाँ है? उसका सैलरी ऑफ मिल रहा है, किस वक्त निकले घर से? पता नहीं क्या समझ में उन्होंने बात की, तो हल्का लिया हमें। किसने हल्का ले लिया, क्या बात हुई, कुछ तो बताओ। रहने दें। अरे हुआ क्या? अरे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? हाँ बताओ। है बताए, वो गुड न्यूज क्या थी? पहले मुझे ये बताओ, घर में कोई आया था? फैजी आया था। फैजी? तो वो मुझसे मिले बगैर कैसे चला गया? क्योंकि मैंने नहीं रोका, जरूरत नहीं समझी रोकने की। कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की, और इतनी घटिया बात सोची कैसे मेरे बेटे के बारे में? मेरा बेटा क्या इतना गया गुजरा है? मुझे तो उसकी ढिठाई और बेशर्मी पर हैरत से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या कहा उसने हमारे बेटे के बारे में? गलती दरअसल हमारे अपने बेटे की है, जिस तरह से वो उस दिन पार्टी में नीलम का हाथ पकड़कर सबके सामने ले आया, शय मिल गए उसे, नीलम का रिश्ता मांगा है आली के लिए। तो फैजी ने नीलम और आली के रिश्ते की बात की? दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं ठीक ठाक सुना उसे, नीलम जैसी लड़की, अरे जिसका नाम पूरे खानदान में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसका रिश्ता डाला है। अभी तक मेरा खून खौल रहा है सर। ऐसी एक बात है, हमारा बेटा भी तो नीलम को पसंद करता है। आप प्लीज उससे ये बात मत कहिएगा, और शय मिलेगी उसे। वो ऑलरेडी इस मामले को बहुत आगे बढ़ा चुका है, इस तरह बेखौफी से डिनर पे नीलम को अपने साथ लेकर आया, ऐसे माजरत के साथ। इस रिश्ते की पहल फैजी ने नहीं, तुम्हारे बेटे आली ने की, सबके सामने प्रपोजल पेश किया उसने। फैजी बेचारा तो फर्दन इस बात को आगे बढ़ा रहा है, और इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन मैं इस बात को हरगिज मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो मैं तुम्हें वो हकीकत बता रहा हूं जिससे तुम आंखें चुरा रहे हो, और ये बहुत खतरनाक बात है। अजहर, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी इस आर्गुमेंट से मैं अपनी सोच बदलूंगी, तो ये आपकी भूल है। शाहीन समझने की कोशिश करो, हमारा बेटा जवान है, जज्बाती है, गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इससे बेहतर है मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन उस नीलम को इस घर की बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। पागल हो गई? वो मुझे क्या तलाक देगा? मैं खुद छोड़ दूंगी उसे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अली प्लीज। अली अली मेरी बात सुन। देखो तुम्हारी कजन बिल्कुल ठीक कह रही है, इस वक्त यूं इमोशनल होकर तुम मामले को मजीद खराब करोगे, और कुछ नहीं। ओ, तो आप लोग कह रहे हैं कि जो पहले हो रहा था वो ठीक हो रहा था? नहीं मुस्तफा, हम दोनों की शादी कोई भी सीधे तरीके से नहीं होने देगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अली इस तरह भी तो मेरे बगैर रह सकती हो? रह लोगी मेरे बगैर? बताओ यार, हम पहले निकाह कर लेंगे,
उसके बाद मैं कोशिश करता रहूंगा कि मैं सबको मना लूं, और अगर सब नहीं भी मानते तो हम कहीं जाकर एक छोटी सी दुनिया बसा लेंगे अपनी, जहां इस माचरे की झूठी रस्में और सो कॉल्ड धमकियां नहीं होंगी। अब तुम यूं क्यों देख रहे हो मुझे? Because I'm surprised. तुम्हें इस तरह देख। मुस्तफा प्लीज यार। आली, हम चाहे कहीं पर भी रहें, लेकिन इस माशरे से दूर नहीं भाग सकते, नहीं बच सकते इस माशरे के रस्म रिवाज से। हमें यही रहना होता है, लोगों के साथ, लोगों के दरमियान। यार मुस्तफा, मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया वहां पर। मैं बस अभी नीलम के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ, अभी और इसी बात। बस तुम भी चलो मेरे साथ। लेकिन अभी अभी कौन सा ऑफिस खुला होगा जहां पे ये सब कुछ होगा? यार इस वक्त वैसे ही निकाह कर लेते हैं फिर, कोई काजी कोई तो मौलवी मिल जाएगा ना हमें। आली, एक बार फिर से सोच लो, ये फैसला करना तुम्हारे लिए तो आसान होगा, लेकिन इस लड़की की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। यार मुस्तफा, तुम मेरे दोस्त होकर नीलम को डरा रहे हो। मैंने फैसला कर लिया और नीलम ने भी। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूँ फौरन आ रहा हूँ जी। क्या वो मुस्तफा, कोई सीरियस बात तो नहीं है? आंटी की तबीयत तो ठीक है? रक्षंदा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई सीरियस बात तो नहीं है? ये तो नहीं बताया, लेकिन जाके पता चलेगा। अभी शाम में तो मैं मिलने गया था, सब तो ठीक थी। तुम मिलकर है? हाँ, कोई जरूरी काम था इसलिए मुझे बुला लिया था। यार मुस्तफा, मुझे गलत मत समझ, तुम नाराज होके मुस्तफा नहीं जा सकते, मैं तुम्हें बताता हूँ ना क्या हुआ। मेरा इस वक्त हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है, अगर मैं लेट हो गया और खुदा ना खास्ता, हम बाद में बात करेंगे। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज, कोई जरूरत नहीं मेरे साथ इस वक्त जाने की, पहले जाओ और अपनी कजन को इनके घर पे छोड़ो, घर वाले परेशान हो। खुदा हाफिज। क्या कह रही हो सारा? मुलाजमा ने खुद मुझे बताया है दादी, आली आया था और नीलम चली गई है उसके साथ, और वो लोग तो शाम के निकले हुए, अब तो रात हो गई है। कॉल भी की थी मैंने उसे, मोबाइल तो उसका कमरे में पड़ा है। तुम्हें पता कि तुम क्या कह रही हो? इसी दिन का मुझे डर था, इसी दिन ने मुझे इतने सालों दहलाए रखा, आखिर वही कुछ हो गया ना अम्मा, सांप थैले से बाहर आ गया ना। इसमें ऐसी कौन सी बात है, कजन है उसका, वो आगे पीछे भी जो उसके साथ जाती होगी ना। बस कर दो फैजी, इस वक्त बेजा तरफदारी मत करो उसकी। नीलम हमेशा जब गई है मुझसे इजाजत लेकर गई है, ये कैसे हो सकता है? और आली मेरे घर के दरवाजे पे आया और मुझसे मिले बगैर चला गया। ये सारी अनोनियां उस वक्त शुरू हुई है जब सबके सामने नीलम का हाथ पकड़ के बेखौफ होके वो खड़ा हो गया था। आप आली को फोन कर लेना, लाए मुझे नंबर दे, मैं कॉल करता हूँ उसे। एहसन बेटा, तुम्हारे पास नंबर होगा आली का, उसको फोन मिलाओ, आगा जान की बात कराओ। बन जा रहा था। या अल्लाह खैर, अब भी इसको मामूली बात कहोगे? बेटा शाहीन को नंबर मिलाओ, मैं खुद उससे बात करती हूँ, हो सकता आली उसे लेकर वहां चला गया हो। हेलो, हाँ शाहीन, मैं बोल रही हूँ, आली है घर पे? नहीं है, शाम का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। नहीं नहीं ठीक है। डॉक्टर साहब, रक्षिंदा की कंडीशन कैसी है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? अल्लाह पाक ने बहुत करम किया मिस्टर मुस्तफा, डॉक्टर रक्षिंदा की कंडीशन इतनी सीरियस तो नहीं, अलबत्ता उनके हाथ पे चोटें हैं। तो अभी उसकी तबीयत कैसी है? फिलहाल तो वो बेहोश है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी होश में आ जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है।
मैं उससे अभी मिल सकता हूँ, उसे उसे देख लूँ? जी बिल्कुल मिल सकते हैं, मगर थोड़ी देर बैठ के वेट करें, मैं आपको बुला लेता हूँ। श्योर श्योर प्लीज। आली प्लीज अब ये नहीं। मुझे समझने की कोशिश तो करो। तुम क्यों मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा करना चाहते हो? तुम क्यों ये चाहते हो कि सब कहे निकली ना ज़रीन की बेटी, किया ना इसने भी वही जो उसकी माँ ने किया। ऐसा भी क्या किया था तुम्हारी माँ ने? मोहब्बत ही तो की थी, शादी हो गई, और मेरी माँ की कमजोर फैमिली ने उनके जुर्म को माफ नहीं किया तो वो अलहदगी लेकर चली गई। खुदा ना ख्वास्ता 100 आदमियों का कत्ल तो नहीं किया था जिसका जुर्म काबिले माफी ना हो। ये तो तुम कह रहे हो ना अली? हाँ मैं ही कह रहा हूँ। तुम डरती क्यों? मैं खड़ा हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक बार हमारा निकाह हो गया तो फिर हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। पता नहीं आली क्यों मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। नीलम मुझे लगता है अगर हमने निकाह कर भी लिया ना, हम इससे भी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। वसवसे, सिर्फ अंदर के वसवसे हैं ये और कुछ नहीं। देखो एक बार हमारा निकाह हो गया तो हमारी फैमिली के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा हमारे इस रिश्ते को कबूल करने के सिवा। तुमसे एक बात कहूँ आली? जो दिल में आए कह डालो। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा दोस्त मुस्तफा ठीक कह रहा हो, ये सिर्फ तुम्हारा एक जज्बाती फैसला हो और कुछ भी नहीं। आली क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा जज्बाती फैसला, सिर्फ मेरा जज्बाती फैसला? मोहब्बत सिर्फ मेरा सरदर्द है ये कहना चाह रही हो? मैं पागल हूँ और तुम्हें इस सबसे कोई कंसर्न नहीं है, आली ये कह रही हो? आली ये जज्बाती फैसले इस तरह से नहीं होते। तुम चुप हो जाओ, अब कुछ नहीं बोलना। आली बिल्कुल चुप हो जाओ, समझी तुम? अज़र, शेरू कहाँ? गाड़ी बाहर निकालो। क्या हुआ शाहीन, सब खैरियत तो है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अम्मा का फोन आया था, आली नीलम को लेके कहीं चला गया है। क्या? वो ये समझी कि वो दोनों यहाँ आ रहे हैं। मेरा माँ था तो उसी वक्त ठंका था जब उसका फोन बंद था। तो अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं अम्मा के पास जा रही हूँ। लेकिन शाहीन तुम्हारा इस वक्त जाना ठीक नहीं है। प्लीज सर, आप इस वक्त तो ना मुझसे कोई सवाल करें और ना मुझे रोके। मेरा दिल कह रहा है कि आज बहुत कुछ बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होने वाला, खामखा की टेंशन ले रही हो तुम। क्या हमारा बेटा आली नीलम को पहले कभी लेकर नहीं गया? इससे पहले इतनी देर तक उसका फोन भी कभी बंद नहीं था, वो हमेशा मेरे टच में रहता था। प्लीज आप मुझे मत रोके। क्या करोगी तुम वहाँ जाकर? उन्हें मजीद परेशान करोगी। मैं आज इस मामले को जड़ से खत्म कर दूंगी। क्या मतलब? आली घर आ जाए, मैं कल शाम ही उसकी मंगनी सारा के साथ कर देती हूँ। मैं इस मामले को मजीद आगे नहीं बढ़ने दूंगी। तुम होश में तो हो? इस तरह सारा मामला खराब हो जाए। क्या मतलब है आपका? मैं मतलब साफ जाए, वो सारा को पसंद नहीं करता। अगर तुम जबरदस्ती करने की कोशिश करोगी तो तुम अपने बेटे के साथ अच्छा नहीं करोगी। अपने बेटे की खुशी और जिंदगी से मत खेलो, सारी उम्र पछताओगी तुम। मगर उस औरत की बेटी को बहू बनाकर मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आप प्लीज बीच में मत पड़िए।
इसी तरह मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? हाली बताओ ना, जवाब दो। मैं भी तुमसे एक बात कहूं, शायद तुम्हारे साथ वही सब कुछ होगा जैसा तुम सोचती। क्या मतलब? नीलम, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं, तुम मुझ पर यकीन कैसे करोगी? इस वक्त मैं तुमसे कितनी भी कसमें खा लूं, कितने भी वादे कर लूं, मगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। तो इस वक्त बेहतर यही है कि इस सवाल का जवाब तुम मुझसे नहीं, खुद से पूछो। क्योंकि अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा होता तो जिस यकीन से मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया था, तो इस वक्त हम उस रिश्ते में बन चुके होते। पर अफसोस, तुमने वो वक्त खो दिया और अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। जाओ नीलम, खुदा हाफिज़। मैंने सारे दोस्तों से पता कर लिया उसके, और आपने जो नंबर दिया था पप्पा उस पर भी पता कर लिया, लेकिन आली का कुछ पता नहीं चला। अम्मा, जिसे हम बचपन से पालते पोसते बड़ा करते, उसे कोई एक ही झटके में कैसे उड़ा के ले जाता है? अल्लाह ना करे शाहीन, क्यों इतना दिल पर ले रही हो? कुछ नहीं होगा, अभी मैं जिंदा हूं, अपनी आंखें खुली रखती और उस मनूस लड़की को यूं खुला ना छोड़ती तो ये दिन ना देखना होता। तुम लोग सब तो उसके बारे में जानते हो अच्छी तरह। बुरे वक्त का क्या पता होता है शाहीन? तुम कहां जा रहे हो फैजी? अब इतने सालों के बाद यहां आई गए हो तो कम से कम उस मुसीबत का तो बंदोबस्त करते जाओ। इस अजाब को मजीद अपने सर पे मसलत नहीं कर सकते। शाहीन, तुम्हारा बेटा नीलम को इस घर से लेकर गया है। नीलम तुम्हारे घर नहीं गई थी उसको लेने के लिए। सुन रही है माँ? अब इन्हें अपनी बेटी के पाकसप होने का गुमान होने लगा है। शाहीन, उसकी माँ जो भी थी, जैसी भी थी, मगर नीलम वो तो दुली दुलाई है ना, खड़ा ही ऐसे। पूछिए से कैसे पागल बना रखा था इसको, क्यों इनकार कर रहा था अपनी मंगनी से? ये क्या वजह हम नहीं जानते? नीलम थी नीलम। गुनाह तो उसकी माँ ने किया था, मगर वो ये हुनर अपनी बेटी को भी देकर गई है। मर्दों को पागल बनाने का जादू बड़ी अच्छी तरह से आता है। बस बस कर दें आप लोग, खुदा के लिए बस कर दें। जब से मैं आया हूं यही सुन रहा हूं, यही सुन रहा हूं। आप लोगों ने नीलम को अपनी मर्जी से यहां पे रखा था, वरना उसकी मां तो उसे साथ ले जा रही थी। ले जाती तो कोठे पे बिठाती उसे। शाहीन, जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा मोड़ आया जहां मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, तुम इसी तरह मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? मोहब्बत में सवाल तो नहीं होने चाहिए, मोहब्बत तो खुद हर सवाल का जवाब है। तुम होती कौन मेरे बेटे को पागल बनाने वाले, उसके करीब आने वाले? तुम्हें आज मैं नहीं छोड़ूंगी। शाहीन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि नीलम उसको लेकर नहीं गई थी, वो नीलम को लेकर गया था। तुम पहले घर जाओ और उससे जाकर पूछो कि वो किसकी इजाजत से इसे यहाँ से लेकर गया है। फैजी, तुम फिर वो गलती कर रहे हो जो ढील तुमने जरीन को दी थी ना, जब भी मनुष्य पैदा होने वाली थी। कैसे वो अपने आशिक से मिलने गई थी धरेले से, और तुम्हें सबके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा था, क्या सब भूल गए? तो खुदा के लिए बस करते। जब से मैं आया हूं मैं यही सुन रहा हूं, काश मैंने लंदन से यहां आने की अपनी कसम न तोड़ी होती। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं चाहूंगी। मुझे तुमसे किसी अच्छे की तवक्को भी नहीं है। तो फिर संभालो अपनी बेटी को, अगर संभाल सकते हो तो ले जाओ जहां लेकर जाना चाहते हो। मैं क्यों लेकर जाऊं? इस घर में जितना हक तुम लोगों का है उससे ज्यादा मेरा है। अगर किसी और को कोई तकलीफ हो रही है तो वो निकल जाए यहां से। तो साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपने बच्चों को लेके यहां से चली जाऊं? इस उम्र में
इन सफेद बालों के साथ तुम यूं मट्टी पलीत करोगे फैजी? यूं धक्के देके मेरे मरूम शौहर के घर से निकालोगे? कभी नहीं सोचा था ये मैंने। अरे इस मनुष मारी से क्यों नहीं पूछते? कहां रही इतने घंटे? क्या आग लगी थी इसे? क्यों गई थी आली के साथ? इससे पूछने के बजाय तुम हमें घर से निकालने की धमकी दे रहे हो। नानू, ये मेरे साथ गई थी, मैं ही इसे लेकर गया था और मैं ही इसे छोड़कर गया हूं। मम्मी, कौन आपको इस तरह की पट्टियां पढ़ाता है जो आप ऐसी सोच रखती हैं, इस तरह की बातें करती हैं फजूल की? मुस्तफा, तुम्हें क्या लगता है ये बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं इस जैसी जादूगर औरतों के मकर और फरेब। तुम ठहरे मेरे मासूम बेटे भोले। आपको ये लग रहा है कि रक्षिंदा ने जानबूझकर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया? हाँ बिल्कुल, वरना वो मरी क्यों नहीं? अब तक तो वो मर जाती। ये सब कुछ उसने प्लानिंग के तहत किया है ताकि तुम्हारा दिल मोल सके, तुम्हें बेवकूफ बना सके जो तुम बन गए हो। अम्मी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इस तरह की सोच भी रख सकती हैं। वहमी आप हैं ये मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा भी बोले नहीं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आजमा लो, आज ना जाओ उसके पास, देख लेना नकली पट्टियों के साथ भागी भागी आ जाएगी तुम्हारे पीछे वो। सुना है कि माँ बाप का रिश्ता मुकद्दस होता है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। बीवी है वो मेरी और इस वक्त हॉस्पिटल में वो। ये समी, अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस प्लीज। हो गई है, झूठ बोलती हो? आली मेरा बेटा वही करेगा जो मैं कहूँ। पहले आप इस लड़की से ये तो पूछिए कि ये आली को लेके कहाँ गई थी, कितने घंटे कहाँ गुजार के आई है ये इसके साथ। मुझे तुम्हारी हालत पे तरस आ रहा है। क्योंकि ऐसा सिर्फ नेक खानदान की औलाद ही कर सकती है। कल सारा और आली का निकाह है, साथ रुखसती भी है। तुम्हें मैं इसलिए बता रही हूं पहले से ताकि तुम कल ना आने का कोई बहाना ना कर सको। तो फिर एक फैसला मेरा भी है अम्मा। शाहीन, कल मैं यास्मीन और एहसन का निकाह कर रही हूँ, रुखसती एक हफ्ते के बाद होती रहेगी। ये तो बड़ा मुबारक दिन है, मेरे बच्चों की जिंदगी के फैसले हो गए, एहसन को जॉब मिल गई और अल्लाह ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। अफसोस तुमने वो वक्त खो दिया और अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। क्या हुआ? बस हमने डिसाइड कर लिया नजमा भाभी और अम्मा के साथ कि कल जो है सारा के साथ उसका निकाह कर रहा है।
क्या मतलब? इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले कर ली? क्या मतलब? मतलब मुझसे बात करना, मशवरा करना ही गवारा नहीं किया? क्या ये वक्त है मेरी तुम्हारी नजर में? अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है अजहर। अब जब आली मान गया है तो आप क्यों खफा हो रहे हैं? मेरी और आपकी तो पहले भी बात हो चुकी है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सारा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और अब जब सब कुछ वैसा हो रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या है अजहर? प्लीज अजहर, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो बस इस घर की खुशी के लिए सोच रही थी। घर की खुशियों के लिए? हाँ, तुम ही वेलविशर हो इस घर की, बाकी हम तो दुश्मन हैं। बस कर दीजिए ना अजहर, ये हमारे घर की पहली और इतनी बड़ी खुशी है, प्लीज मेरे साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स प्लान इट आउट। अच्छा ये बताएं कि फंक्शन हम लोग घर में करें या होटल में, बताएं ना अजहर, प्लीज बस कर दें, बहुत नाराज हो गया। आली मान गया? ऑफ कोर्स, अगर नहीं मानना होता तो जब मैं आपको बता रही थी उस वक्त इनकार कर देता। उसने इकरार भी तो नहीं किया। असर, मैं सबके सामने दावे से कहकर आई हूँ, मेरा बेटा वही करेगा जो मैं चाहूंगी। अरे भाई, वो बहुत प्यार करता है मुझसे, देख लीजिएगा, वो कभी भी मुझे लेट डाउन नहीं होने देगा। प्लीज चले ना, लेट्स प्लान इट आउट। असर प्लीज मूड सही कर ले, प्लीज आजा, आए ना, चले आए। अच्छा मुझे बताइए, अगर बेटा हुआ तो अब्दुल्ला, और अगर बेटी हुई तो नीलम। नीलम? हाँ, मुझे ये नाम बहुत पसंद है। मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि अगर मेरी बेटी हुई तो उसका नाम नीलम ही होगा। इसमें ऐसी क्या खास बात है? नीलम तो एक पत्थर का नाम है। कीमती पत्थर का नाम है, नीलम की तरह साफ शफाफ, जिसके आर पार देखा जा सके, कुछ भी नजर से छुपा हुआ ना हो। मेरी बेटी भी बिल्कुल ऐसी ही होगी, आईने की तरह साफ शफाफ, कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकेगा। मेरा दिल जो सिग्नल पास कर रहा था वो गलत नहीं था। काश अगर शाम में सब कुछ हो चुका होता तो अब कल शाम, और मैं जानता हूं मम्मी इस बात से पीछे नहीं हटेंगी। क्या करूं? हेलो। हाँ मुस्तफा, रक्षंदा भाभी कैसी हैं? बेहतर है कुछ, लेकिन चूंकि हैवी डोजेस दी गई हैं इसलिए उसे अभी तक होश नहीं आया। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं। तुमने अपने कजन नीलम को तो उसके घर पे छोड़ दिया था ना? हाँ छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ? तुम दोनों की कमी को किसी ने महसूस तो नहीं किया? कोई मसला तो नहीं हुआ घर जाके? अली क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? क्या बात है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हो गया। क्या हुआ है, मुझे ठीक ठीक बताओ तो सही। मुस्तफा, मैंने जो शाम में फैसला किया था, और नीलम को भी तुम्हारे ऑफिस लेकर आया था, अगर उसी वक्त हम दोनों निकाह कर लेते तो शायद इस वक्त मैं इतनी बेबसी की कैफियत में ना होता। अली एटलीस्ट मुझसे शेयर तो करो, नीलम के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? नीलम को तो पता नहीं, मगर मेरे साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। क्या? कल शाम मेरा और सारा का निकाह है, तुम आओगे ना मेरे निकाह में? What? सारा के साथ तुम्हारा निकाह? क्या कह रहे हो फैजी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं अभी पागल नहीं हुआ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? आप मुझे ये बताएं कि आप मेरी मदद कर सकती हैं कि नहीं? भाई इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो सकता है? हाँ ये ठीक है कि बिल्किस ने फोन किया था आज, एक अच्छे रिश्ते का बताया तो है मुझे, मैंने सारी बात तो तुम्हें बताई थी। अम्मा उस वक्त मैंने ध्यान से सुना नहीं था।
अब आप मुझे ये बताएं कि वो रिश्ता है कैसा? अच्छा रिश्ता है, मेरे देखे वाले लोग हैं, लड़के की अपनी वर्कशॉप है, अच्छी जगह पे अपना घर है, अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन 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 क्या कोई गड़बड़ है? कोई खास नहीं, नासिर की बीवी तीसरे बच्चे की पैदाइश में मर गई थी, अब उसके 3 बच्चे हैं, 10 साल शादी रही है, अब उन्हें घर संभालने के लिए फौरन शादी करनी है। मैंने बिल्कुल को कहा है और कोई रिश्ता देखे? नहीं 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 अम्मा, ये जो पहले वाला रिश्ता आप बता रही हैं, ये कल दोपहर में निकाह रुखसती कर देंगे ना। ऐसी अम्मा, शाहीन ने जो मेरे साथ किया है वो मेरी जिंदगी और मौत का मसला है, उसका जवाब देना। आप उन्हें पैगाम भिजवा दें, हम कल उनसे मुलाकात करते हैं और 3 बजे हम निकाह की सारी तफसीलात तय कर लेंगे। मुझे उस शख्स के 3 बच्चों पे कोई एतराज नहीं है। अब डन कर दे। अच्छा तो छत से कूदकर खुदकुशी करने का इरादा है तुम्हारा? अगर मरने का इतना ही शौक है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। Just shut up। यानी अभी भी जीने की तमन्ना रखती हो तुम? उस माँ के फरमा बरदार बेटे पे तो बड़ा यकीन है तुम्हें, जिसने शाम में अपनी माँ के फैसले के आगे सर झुका लिया, तुम्हारे बारे में जरा भी ना सोचा, बार बार फोन करके क्या साबित करना चाहती हो कि वो वापस आ जाएगा? लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब कहोगी जहाँ कहोगी तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। मेरे लिए आप दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं। अच्छा, और जिसको आजमा चुकी है उसके बारे में क्या ख्याल है? हाथ छोड़े मेरा। चलो छोड़ दिया, लेकिन एक बात सुननी होगी मेरी, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैं यास्मीन से कभी शादी नहीं करूंगा। मुझे उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन शायद एक बात में तुम्हारी दिलचस्पी होगी, आली अमीर बाप का बिगड़ा हुआ एक अकलौता बेटा है, जिसकी एक हॉबी है जो शायद तुम्हें नहीं पता, लड़कियों से मिलना, उनके साथ खेलना और उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देना, ये उसका काम है। कहो तो सारे सबूत ला के दे सकता हूँ तुम्हें, या बोलो तो ऐसी तबाकुन लड़कियों से मिलवा भी सकता हूँ। श्योर, मैं उन लड़कियों से जरूर मिलना चाहूंगी। इनफैक्ट आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जाकर अपनी माँ और बहन को उन लड़कियों से मिलवाएं, ताकि आपकी फैमिली की जिंदगी में जो तबाही कल आने वाली है वो उससे बच जाए। एक्सक्यूज मी,